आखिर कैसे बना होगा कोलकाता का हावड़ा ब्रिज? गंगा नदी पर बना हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की पहचान कहा जाता है। दुनिया भर में भारत आने वाले लोग अगर कोलकाता जाते हैं तो यह ब्रिज जरूर देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह ब्रिज कब और कैसे बना था और कितने पैसे खर्च हुए थे? यह पुल लगभग 2300 फुट लंबा और इसे बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। साल 1874 में हुगली नदी पर बनाया गया था पीपे वाला पुल। 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1983 में काम पूरा हुआ। दोनों किनारों पर बने दो स्तंभों पर ही टिका हुआ है हावड़ा ब्रिज। इस पुल में कोई भी पिल्लर नहीं है, यह पुल बिना पिल्लर का ही खड़ा है। आजादी से पहले बने इस पुल को बनाने में 2.5 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका है। आप जानते हैं हावड़ा ब्रिज को रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर हावड़ा ब्रिज को रात को 12 बजे क्यों बंद कर दिया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। हावड़ा ब्रिज को 12 बजे कुछ देर के लिए बंद किया जाता है क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि इस वक्त ब्रिज का गिरने का खतरा ज्यादा रहता है। हावड़ा ब्रिज को रोज रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है क्योंकि इस समय नदी में ऊपर का चढ़ाव एवं निचला चढ़ाव का समय होता है। हावड़ा ब्रिज एक रेल पुल है जो भारतीय रेलवे की मुख्य लाइन को कोलकाता से दक्षिण भारत तक जोड़ता है, जो कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। यह ब्रिज 17.5 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 1952 में पूरा हुआ था। यह ब्रिज दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेल पुल है जिसमें केवल रेल ट्रैफिक की अनुमति होती है। आप जानते हैं हावड़ा ब्रिज को बने कितने साल हो गए हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। हावड़ा से कोलकाता को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज 82 साल का हो चुका है। इसके दो स्तंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन दोनों स्तंभों के अलावा नदी में कहीं भी ऐसा आधार नहीं दिया गया है जो पुल को सहारा दे सके। इसके अलावा इस पुल की खास बात है कि इसे बनाने में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हावड़ा ब्रिज बनाने में नट और बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पुल में नट और बोल्ट नहीं है बल्कि पूरे ढांचे को रिवेट करके बनाया गया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर रिवेट करके कैसे पुल बनाया जा सकता है और ये रिवेट क्या है? तो गाइस, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल यूट्यूबर हूँ जो मैं आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ, तो ये चीज तो इंजीनियर को ही पता होगी। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, इस तरह से हावड़ा ब्रिज का निर्माण हुआ। हावड़ा ब्रिज जो बिना पिल्लर का ही बना है, आखिर उस समय के इंजीनियर ने क्या सोचकर हावड़ा ब्रिज को बिना पिल्लर का ही बनाया था? चलिए मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही को रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य 1936 में शुरू हुआ और 1942 में पूरा हुआ। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को आम जनता ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि हावड़ा ब्रिज बनने के ठीक एक साल बाद इस ब्रिज को आम जनता के लिए एक साल बाद खोला गया था। तो गाइस, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।